बलियापुर के गोलमारा के पहाड़ के 200 फीट ऊपर बसा माँ पहाड़ा वाली गौरी मंदिर में दुर्गोत्सव के अवसर पर स्थापित माँ दुर्गा का प्रतिमा का विसर्जन किया गया। बता दें कि मुखिया के अगुवाई में मंदिर का निर्माण चल रहा है, जिसमें ग्रामीणों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। बता दें कि गांव की स्थापना कई वर्ष बीत गए थे, लेकिन पूरे गांव में माता का एक भी मंदिर नहीं था। लोग यहां से पूजा करने के लिए भाड़े से बैठकर गाड़ी में 10 किलोमीटर दूर पूजा करने जाते थे। बड़े बुजुर्गों और महिलाओं के मांग पर मुखिया ने मंदिर निर्माण कार्य शुरू करवाया। अब धीरे धीरे मंदिर संपूर्ण होता हुआ दिख रहा है। अभी भी मंदिर का निर्माण कार्य जारी है। बता दें कि जिस पहाड़ पर मंदिर का निर्माण हो रहा है वह पहले जंगल था। पहाड़ की साफ सफाई और कटाई करके मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया गया। 2019 से इस मंदिर में दुर्गा पूजा में माँ दुर्गा का प्रतिमा स्थापना किया जाता है। बता दें कि माँ का नाम दिन पूजा अर्चना करने के बाद कमेटी के सदस्य और ग्रामीणों की उपस्थिति में भक्ति भाव और भक्ति गीतों के साथ माँ को नम आंखों से विदाई दी गई। वह इस दौरान डीजे पर ग्रामीणों ने जमकर चिंता और महिलाओं ने भी मां की विदाई समारोह में शामिल हुए। निर्माण हुआ है और हम लोगों का गांव में इससे पहले दुर्गा माता का मंदिर नहीं था और हम लोग काफी मतलब परेशानी भी होता था कि बहुत बड़े बुजुर्ग बच्चे नहीं जा पाते थे, कभी गाड़ी का व्यवस्था नहीं हो पाता था, हम लोग को कभी आरती कभी पूजा करने का हर समय मौका नहीं मिलता था। जब से यह मंदिर का स्थापना हुआ है उस वक्त से सारे गांव के सारे महिलाएं यहां पे पूजा कर अर्चना करने के लिए आती हैं, शाम को आरती के लिए आती है और तरह तरह के हर प्रोग्राम में ये लोग शामिल होती है और इन लोग काफ़ी खुशी भी है इस बात से। ये क्या पहाड़ों वाली माँ की? हाँ, पहाड़ों वाली माता गौरी का नाम से प्रसिद्ध है। तो ये गांव से 200 मीटर ऊंचा में है तो चढ़ने में दिक्कत नहीं होता लोगों को? दिक्कत होता है लेकिन पहले से तो काफी परेशानी हट चुका है। पहले तो ऑटो करके गाड़ी का व्यवस्था होता था तब जाते थे, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो घर से निकलो बस शाम के समय में भी आरती देखते हैं, फिर सुबह में भी पूजा अर्चना होती है तो भी हम लोग सब शामिल होते हैं, तो इससे काफी उत्साहित है गाँव के लोग हमारे। अच्छा, पहले ये पूरा जंगल था? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। एक महात्मा बाबा के नाम से एक यहाँ का मंदिर है छोटा सा, वहाँ हर साल 18 जनवरी को पूजा होती थी, उससे पहले और यहाँ और कुछ भी नहीं था। फिर हम लोग 2019 में ये मंदिर का स्थापना किए माता गौरी के नाम से और उस समय से पूजा अर्चना बराबर हो रही है। क्या नाम हुआ? लक्ष्मी सिंह। मंदिर का कब से निर्माण हुआ और आगे का क्या फ्यूचर, क्या क्या आप क्या ये मंदिर क्या है? 2019 में हमने इसका निर्माण हम लोग किए और वही साल से हम लोग पूजा भी किए ताकि अगल बगल पंचायत का सुविधा हो और सुविधा को देखते हुए पहले भी न्यूज 11 का विकास के पहले आ चुके हैं, ये देख चुके हैं कि यहाँ का पब्लिक कितना रुझान है इस पूजा में और आने वाला समय में भी 25-30 शादी हमने करवाया इस मंदिर में। अब 21 नवंबर को फिर शादी भी है। आने वाला समय में हम लोग ट्रस्ट बना के जो बेटी का शादी नहीं कर पाएगा उस ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग मदद करेंगे। अच्छा, ये पहले बताइए कि क्या सोशली मदद होता है कि इसके लिए पैसे भी इकट्ठा किए हैं? ना, इसके लिए हम लोग एक दूसरे का सहयोग लेते हैं हम लोग। अच्छा। सब जगह से सहयोग भी आता है और विधायक जी को भी बुलाए थे। तो ये मंदिर का क्या नाम है? इस मंदिर का क्या नाम है? माँ गौरी पहाड़ी वाली माता। तो आप लोग क्या क्या मांगे कि पर्यटक स्थल इसको बनाए? हाँ, इसको पर्यटन स्थल का दर्जा जैसे मिल सके वही हम लोग का मांग है शुरू से। कैसे विचार आया इस मंदिर बनाने को लेकर? विचार आया कि हम लोग का यहाँ दुर्गा पूजा के तरफ से नहीं बुझाता था, पंडित जी से पूछना पड़ता था कि कब पूजा है, कब आरती होता है, कब नहीं। अब हम लोग क्या किए हैं, टोटल गांव में हम लोग माइक बांधे हैं, यहाँ से लेकर पूरा माइक के माध्यम से हम लोग हर जगह इसका बोल देता कि फलना समय में आप प्रोग्राम है, आरती है, टोटल माता भवन पहुँच जा रही है। तो ये गाँव से 200 मीटर ऊंचा पहाड़ पे मंदिर का सबसे पहले कहाँ, कैसे, कौन इसको ये किया था? क्या मंदिर है इसका सोच सबसे पहले हमें इसका निर्माण दिमाग में आया क्या कि कुछ महिला लोग हमको बुलाई गांव का और जब से हम लोग शादी होके आए हैं तब से हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि मंदिर बनेगा, दुर्गा मंदिर बनेगा, पर आज तक दुर्गा मंदिर नहीं बना। हम लोग बुढ़ापा की ओर आ गए, कम से कम मरने से पहले हम लोग को मंदिर बना के दिखा दो बाबू, यही हम लोग आशा करते हैं। तो जैसे वो लोग बोले वो काम में हम लोग लग गए और जितना भी हम लोग का टीम वर्क है, हमारा टीम वर्क उसमें हम लगा दिया, टीम वर्क बहुत मेहनत किया बनाने में, हम एक सिपाही के तरह लोगों के साथ खड़े हैं।